अल्लाम जी सारे बहन भाई, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे जी। आज हम जा रहे हैं एक कोठी पे, उधर जाना था। मेरे साथ है जी एहसाम, माशाल्लाह एहसाम को भी लेके जी वो उधर दादो को दो, एहसाम को भी लेके दी चीज़। और तकरीबन अभी जो है ना हम पहुँचे हैर सुलेमान की, आगे चलते हैं, आपको जाके ना हैर सुलेमान की का थोड़ा समय कराते हैं। पानी वगैरह जो है ना इंडिया से आता सारा ये थोड़ा कोशिश कर दिखाते हैं। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे बैठ के घंटे भी निशान को दबा दीजिएगा। और अभी हम जब पहुँचे हैं ना, बाइक हमारी खड़ी हुई इधर, अभी जो है ना एहसाम का मामू ने ना हमें यहाँ पर आके ना मतलब अचानक से मिले हैं। ये भी उकाड़ा से आ रहे हैं, हम भी उकाड़ा से आ रहे हैं। खैर अभी चलते हैं आगे और जाके आपको मज़ीद जो है पानी शानी का ये थोड़ा सा नज़ारा कराते हैं, फिर आगे हमने निकलना है इंशाल्लाह। आगे वो विलेज है थोड़ा सा इंडिया के करीब करके तकरीबन पड़ता है, थोड़ा सा दूर ही है लेकिन आगे इंडिया तकरीबन करीब ही है, तो थोड़ा सा जाके वो भी आगे शक्त है। चलें दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं जी। ये जी नहर आ गई और नहर भी अभी ना सूख गई है, अभी देखते हैं जी ये जी। चेक करें पानी अभी जो है ना रोका हुआ है टोटली, आप देख सकते हैं ठीक है, पानी मुकम्मल तौर पे इसका रोक दिया गया है। और जब पानी को छोड़ना हो तो ये देखिए इस साइड पे खाली है सारा ठीक है, जब पानी ओवर हो जाता है बहुत ज़्यादा हो जाता है ना फिर छोड़ा जाता है, आप चेक कर सकते हैं। अभी ये सारा पानी पानी को रोक दिया है, ये तकरीबन काफ़ी बड़ा जो है ना हाइट सुन पानी है, टॉप पे आता है मेरे घर में या पानी होता है, मछलियाँ वगैरह लगी हुई है, लोग आगे जो है ना वो पकड़ रहे हैं, फिश वगैरह हंटिंग कर रहे हैं। ये है जी पीछे सारे फिशिंग पॉइंट, इस साइड भी फिश वगैरह। और अब ये एक छोटी सी नहर है, इसके साथ साथ हमने जाना है। आगे जाके इंशाल्लाह बाकी विलेज का थोड़ा सा आपको ना व्यू लेके देते हैं नज़ारा का। ये पीछे स्टॉप है और ये नहर से हम नीचे उतरे और भाई आगे आगे जा रहा है, और मेरे एक चाचू है और दादी थी वो मिले हैं और पीछे स्टॉप है खड़े। और अभी हम लोग जा रहे हैं जी ये जी, मम्मा मेरी हेलमेट है, बाबा जी मच्छर चढ़ा रहे हैं, मम्मा मेरी हेलमेट लेके बैठी हुई, चलते हैं जी इंशाल्लाह। मैं एक अपनी पप्पो के घर आया हूँ ठीक है, उसे आगे पिए चाय शाय, और चाय पी के ना अभी थोड़ी देर उनके साथ गपशप लगा रहे हैं। ये मेरे रिश्ते में मेरी फुफ्फो लगती है, मेरे दादे के भाई जो है ना मतलब उस लड़ी में से है, तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा इनके घर आया हूँ और ज़िंदगी में पहली दफ़ा इनके साथ जो ना इस तरह बैठी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये इनका घर है माशाल्लाह ठीक है, और गाँव का माहौल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अपने गैस तो होती नहीं है यहाँ पर, अभी जो फ्रेश आग जला के ना मेरे लिए स्पेशली उन्होंने मेरे लिए चाय बनाई, और चाय भी बड़ा ना मतलब उनके घर की भैंसें शैंसें हैं ना, बाकी भैंस बाहर बांध ली, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये देख सकते हैं गांव का माहौल ज़रा ठीक है, ये जो है ना सीढ़ियाँ लगाई हुई हैं पप्पू ने, और पप्पू के बेटे ने जो है ना कबूतरों का शौक करते हैं ठीक है। चलें दोस्तों बाकी जैसे जैसे गए बगैर जितने भी मेरे देखने वाले बहन भाई है बाकी इंशाल्लाह आगे देखेंगे। कबूतर पप्पू बाजी बुजी भी लड़ा भाई, बाजी मैं आप नहीं छकन दे, कबूतर बड़े बहन ने बाजी छकन ने बोल हो गया। अच्छा अच्छा सही हो गया, मैं तो बड़ा आप ही नहीं हूं कदे ठीक हो गया। चेक करें ये कबूतर गुटकू गुटकू लगी हुई है,
ये शाम कह रहा था मैंने लेनी है चीज, तो इसको लेके दी चीज। क्या लिया है शाम? वाओ, इसको लेके दी है मैंने चीज, ये चीज खा रहा है। खत्म शरीफ हो चुका है, खाना वगैरह भी खा लिया और अब चाय पीनी है। और मैं सोच रहा हूँ कि जो है ना सूरज तकरीबन ग़ुरूब हो रहा है, ठीक है कि ना ही निकलें, क्योंकि रास्ते में ना ठंडक भी होगी और दूसरा ये है कि मेरे साथ बच्चे भी, अम्मी भी है, ठीक है। पहले अबू कह रहा है कि आप अम्मी अपनी को मोटरसाइकिल पर क्यों लेकर आए, तो अब मैं यही सोच रहा हूँ कि सुबह निकलूँगा और सुबह फर्स्ट टाइम में जो है ना आपको बाहर जा कर ना यहाँ का थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह है साथ, तो बॉर्डर पे जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा आपको सज्जे खब्बे दिखाएंगे क्या सीन है। तो बाकी चेक करें जी, सूरज ग़ुरूब हो रहा है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और सामने चेक कर सकते साइकिल खड़ा हुआ है, लोगों ने छतों के ऊपर साइकिल रखा हुआ है। और ये फोटी वाला घर है, फाइनली यार अब मैं भी छत पे आया हूँ, मैंने को थोड़ा सा देखते हैं यहाँ से इंडिया कितना दूर, इंडिया को ज़रा ढूंढते हैं यहाँ पर। फाइनली जी अभी बाबा जी के साथ जो है ना मैं जा रहा हूँ इधर, मेरे दादा अबू काफ़ी देर हो यहाँ पे रहे हैं और जहाँ पे वो रहे हैं ना उनकी कुछ यादें हैं, तो मैं चाह रहा हूँ आज उस जगह पर जाया जाए और दादा अबू की यादें जो है ना ताज़ा की जाए। ये वाला व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड, और इंशाल्लाह वो वाला व्लॉग होने वाला लंबा काफ़ी ज़्यादा। अब उधर जा के ना जा के देखते हैं क्या क्या है, बाबा जी मुझे वहाँ पे जाके बताएगा या यहाँ से स्टार्ट करते आगे जो हिस्ट्री है यहाँ पे, दादा अबू आए कैसे रहे क्या यहाँ पे वो करते रहे ज़्यादातर। तो बाकी देखते हैं आगे अगले व्लॉग में, तो इस व्लॉग को में एक दफ़ा दीजिए मुझे ज़्यादा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना और आपने अगले वाला व्लॉग ज़रूर देखना। अभी है ना सामने साथ ही इंडिया से इंडिया का सारा जो भी है ना आगे हम वो डिस्कस करते हैं बाबा जी के साथ, अभी हम चल